गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 में 6.3 से एग्जांपल 7 से क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उदाहरण 6 तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे जब क्लास ऑफ हुई थी लॉकडाउन के पहले। तो आज उदाहरण 7 से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लासेस इसी प्रकार से आप आराम से घर में बैठ के देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर कमेंट भी कर सकते हैं आप यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड हो उसके बाद। क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में अधि QT परपेंडिकुलर PR यानी QT जो है, देखिए फिगर बना हुआ आपके पास, ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में QT PR पर लंब है, परपेंडिकुलर यानी लंब है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। कोण TQR बराबर 40 डिग्री, कोण TQR बराबर 40 डिग्री, कौन SPR बराबर 30 डिग्री, SPR बराबर 30 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। हमें क्या करना है, X और Y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज कि हमें जो दिया गया है वो लिख लेंगे। पहले क्या दिया गया है कि QT परपेंडिकुलर PR, QT जो है PR पर लंब है, 90 डिग्री का एक लाइन है जो PR पे खड़ा है। और कौन क्यू टी आर, जब खड़ा होगा वो तो टी कौन जो है 90 डिग्री कौन बनाएगा, तो क्यू टी आर कितना हो रहा है 90 डिग्री। देखिए क्यू टी आर कितना डिग्री कौन बन रहा है 90 डिग्री का, और एस पी आर और टी क्यू आर ये पहले से यहाँ दिया हुआ था, तो जैसा दिया हुआ ऐसा उतार दिया। हमें चाहिए क्या, एक्स का मान और वाई का मान चाहिए। इसे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको दो रूल पता होना चाहिए। वैसे हम लोग क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो रूल के बताया गया था। रूल क्या था एक बार देख लेंगे। रूल में प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.7 क्या कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज बनाया जाए, और त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तीन भुजाएं, कौन कितनी होती है तो तीन कौन, यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ कौन की। अगर किसी त्रिभुज को बनाया जाए तो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये प्रमेय 6.7 का एक ये रूल। दूसरा रूल हमें प्रमेय 6.8 के रूप में पता है। रूल क्या है कि अगर एक त्रिभुज बनाया जाए, त्रिभुज वही ABC, और उसका एक अन्य उभयनिष्ठ भुजा खींचा जाए जिसे हम लोग डी मान लेते हैं, तो ये एक कोण का निर्माण करती है जिसको बाह्य कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं, यानी बाहर वाला कोण। तो बाह्य कोण का जब मान निकालना हो तो उसके सम्मुख अंतःकोण, इस बाह्य कोण के सामने वाला अंतःकोण के योग के बराबर होता है, यानी बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए प्लस कौन सी, बाह्य कोण बराबर कौन ए प्लस सी। अगर ये फिगर इस प्रकार हो, अगर इसका चित्र इस प्रकार हो, मतलब बाह्य कोण यहां हो, कौन ए बी सी और यहां डी, तो ये बाहर का कौन होगा, इसके सामने का कौन ये और ये होगा, यानी ये कौन जो है बाह्य कोण बराबर ये कौन, कौन ए प्लस कौन बी हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार बाह्य कोण का सीधा सा अर्थ हुआ कि बाह्य कोण अगर निकालना हो तो सम्मुख अंतः कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग अगर हम लोग कर देंगे तो आसानी से हम लोग बाह्य कोण निकाल सकते हैं। तो इन दो नियमों का प्रयोग, रूल का प्रयोग इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। चलते हैं आगे। यहां तक तो समझ में आया, जो दिया गया था वो लिख दिए।
अब हमको क्या करना है, एक ऐसा त्रिभुज खोजना है जिसमें दो दो मान दिया हुआ हो और तीसरा मान निकालना हो। तो देखिए त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर एक त्रिभुज है, देखिए बन रहा है त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, उसमें एक मान यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्री और एक मान यहाँ दिया हुआ है 40 डिग्री और एक मान एक्स जो हमको ऑलरेडी निकालना है उसके बारे में उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको लिख दिए त्रिभुज क्यू टी आर में, कौन टी क्यू आर, टी क्यू आर यानी ये कौन, कौन क्यू टी आर, क्यू टी आर यानी ये कौन, कौन क्यू आर टी, कौन क्यू आर टी यानी ये कौन, तीनों को मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि प्रमेय 6.7 कह रहा है। अभी हम बताएं टी क्यू आर 40 डिग्री दिया हुआ है, क्यू टी आर 90 डिग्री दिया हुआ है, क्यू आर टी एक्स दिया हुआ है, मान तीनों के बराबर 180 डिग्री यानी तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री 130 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्यूशन किए एक्स 130 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, प्लस में है तो एक्स बराबर 50 डिग्री निकल गया, एक्स का मान कितना निकल गया 50 डिग्री। इस प्रकार हमको क्या हो गया, एक्स का मान पता चल गया कि एक्स का मान कितना है 50 डिग्री, एक्स तो निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं वाई के लिए, वाई के लिए चलते हैं, एक बार फिगर ध्यान से देखिए, वाई कहाँ है, यहाँ है, और अगर ये त्रिभुज देखा जाए, ये त्रिभुज यहां से यहां तक देख रहा है, तो इस त्रिभुज का एक बाहरी कोण वाई है, बाह्य कोण है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण क्या है, वाई है। तो इस त्रिभुज को हम लोग यहां ड्रॉ कर लेते हैं, पी एस आर, देखिए फिगर में पी एस आर एक त्रिभुज, इसका बाह्य कोण क्यू, यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ये दिया हुआ 30 डिग्री पी, इसके जगह पर एक्स दिया हुआ है, यहां बाहर में वाई दिया हुआ है। तो बाह्य अभी हम बताएं कि बाह्य कोण बराबर क्या होगा, सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो त्रिभुज पी एस आर में हमको क्या निकालना है, बाह्य कोण, बाह्य कोण का नाम है कोण पी एस क्यू, तो कोण पी एस क्यू बराबर सम्मुख अंतः कोण, ये कोण और ये कोण इसके सामने वाला अंतः कोण होते हैं, इस कोण का नाम एस पी आर, एस पी आर अंदर वाले कोण और पी आर एस, पी आर एस ये कोण, पी एस क्यू के बदले वाई, एस पी आर 30 डिग्री दिया हुआ है और एक्स पी आर एस, पी आर एस के बदले एक्स दिया हुआ है, वाई के बदले वाई, 30 के बदले 30, और क्योंकि एक्स का मान हम निकाल चुके हैं तो एक्स के बदले हम लोग 50 डिग्री लिख सकते हैं, तो वाई बराबर 50 और 30 80 डिग्री। इस प्रकार इस क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान निकल गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन मिलेगा, आप हर एक वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें, एक बार समझ में नहीं आता है तो दो बार देखें और एक बार रफ़ करें, फिर उसे सही तरीके से समझें, जब समझ में आ जाए तो एक बार अपने से बनाने का कोशिश करें, जब अपने से बन जाए और तो आप समझ सक, आपको लगेगा कि हम सीख गए, और अगर अपने से सही से नहीं बन पा रहा है तो आपको ये मान के चलना होगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं सही तरीके से। धन्यवाद।